अरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे दुनिया का सबसे आसान तरीके से एक्सेलेरेटर की हेल्प से इंडिया का मैप बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले आपको बीच से एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन इधर से ऐसे बीचों बीच ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे एक एक्सेलेरेटर लिख देंगे, हमने पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर लिखा है दोस्तों। फिर इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर एक्सेलेरेटर के यहाँ से बढ़ाना होगा। इधर से एक ऐसे लाइन ले जाइएगा, लाइन को बढ़ाने के बाद यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको कर दीजिएगा ऊपर के साइड में यूं। इधर से हल्का सा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे ले जाइएगा, इसको नीचे की तरफ करेंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए, फिर बहुत ही आसानी से इसको ऐसे आप नीचे ले जाएंगे। फिर आप बाहर करिएगा, फिर नीचे ले जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले पोर्शन को टच करते हुए यहाँ से ऐसे नीचे बढ़ाना होगा। और गाइज, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वाला पोर्शन हल्का सा ऊपर करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाते हुए यहाँ से ले जाइए यूँ, इसको ऐसे नीचे करिएगा, देखिए कितना आसान है। फिर ऊपर, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाइए, इसको हल्का सा अंदर के साइड में ले जाते हुए इस वाली लाइन जो हमने बीच में ड्रॉ किया है इसका यूज करिएगा। यहाँ से यूं ले जाएंगे, इधर ऐसे हल्का सा फिर बाहर, फिर अंदर नीचे, यहाँ तक लाकर ऐसे मिला दीजिए। अब आप आ जाइएगा इधर, इधर दोस्तों हल्का सा आगे बढ़ाएंगे, फिर ऐसे नीचे करेंगे, नीचे की तरफ ले जाते हुए यहाँ से यूं यूं अंदर जाएगा, इसके बाद फिर नीचे यूं ऊपर ले जाएंगे। अब इस एक्स का पोर्शन यहाँ पर यूज करते हुए इसको नीचे बढ़ाइए, ले जाइए ले जाइए, यहाँ तक ऐसे ले जाइएगा, और इधर से हल्का सा इधर, फिर अंदर, और इसको भी नीचे के साइड में लाकर यूँ मिला देंगे। मिलाने के बाद अब आपको यहाँ पर तिरंगा बना देना है। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इधर ऐसे, इसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करना है, यहाँ से यूँ यहाँ तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। बीच में आपको एक बड़ा सा सर्कल बना देना है, और इस पॉइंट को लगाते हुए इधर आपको 24 लाइन काउंट करके लिख देना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम 24 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं। इधर आप लिख दीजिएगा भारत माता की जय।